अस्सलाम वालेकुम रिवाज, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। जहाँ रहे हंसते खाते मुस्कुराते रहे, दिल से यही दुआ है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर गजरेला खीर, जो हम गाजर से और चावल से बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने चाय के चम्मच लेकर 4-5 चम्मच हमने देसी घी के लिए हैं, उसमें 4-5 हमने हरी इलायची डाली है, और 2 किलो करीब गाजर है ये, जो हमने कद्दूकस कर लिया, अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम देसी घी में इसको थोड़े से फ्राई करेंगे 4-5 मिनट तक, ताकि अच्छे से इसमें खुशबू आ जाए देसी घी की। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी देसी घी की जब आप इस तरीके से बनाएंगी। तो देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने 300 ग्राम दूध लिया है, दूध में ऐड कर दूँगी गाजर में, और थोड़ा सा चला लेते हैं चम्मच से। देखें, चलाने के बाद इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब ये मेरे पास है चावल, जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, और धोने के बाद मैं गाजर के साथ ऐड कर दूंगी चावल को। चावल 2 मुट्ठी करीब चावल है ये, और 300 ग्राम करीब मैंने पानी लिया है, पानी भी ऐड कर दूंगी। चूल्हा ऑन करेंगे और कुकर को कर देंगे लॉक। तो मैं खीर कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी से पक जाए। तो 2 सीटी लूँगी मैं। तो देखे 2 सीटी ले ली है मैंने, और इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब मैं लकड़ी का चम्मच लूँगी और खीर की अच्छे से घुटाई करूँगी, गाजर की चावल की अच्छे से, बहुत अच्छे से घुटाई करनी है, बहुत अच्छे से मैश करना है। वो जितनी अच्छी मैश होगी इतनी मज़ेदार बनेगी। और देखें हाई फ्लेम है, आप हाई फ्लेम पर बनाएं या और मीडियम फ्लेम पर भी बनाएं, जल्दबाजी से नहीं बनेगी ये खीर, थोड़ा मीडियम धीरे धीरे ही बनाएं। जितनी अच्छी पकेगी, जितनी मीडियम आँच पर पकेगी, इतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो देखें मैंने 300 ग्राम दूध और लिया है, दूध की क्वांटिटी मैंने 1.5 किलो रखी है, इसमें 2 किलो गाजर है और 1.5 किलो मैंने दूध लिया है। कम ज़्यादा हो तो हम बाद में भी डाल सकते हैं दूध को। तो देखिए एक प्याली मेरे पास है दूध की मलाई, मैंने मलाई भी ऐड कर दी है। अब ये 300 ग्राम चीनी है, चीनी को भी हम साथ साथ ऐड कर देंगे। मीठा आपको जितना ज़्यादा पसंद है या जितना कम पसंद है आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। अच्छा, तो जी मैंने चूल्हा ऑन करने के बाद पैन रख दिया है चूल्हे पर, और ड्राई फ्रूट थोड़ा सा देसी घी में फ्राई कर लेते हैं। काजू बादाम है ये, जितनी भी ज़्यादा आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने बादाम काजू लिए हैं, आप चाहे तो और भी कुछ ले सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ड्राई फ्रूट को, और इसमें थोड़ा सा नारियल क्रम क्रश करके डाल दिया है मैंने। अब मैंने 200 ग्राम खोया लिया है, खोया भी मैंने क्रश कद्दूकस करके मैंने गाजर के साथ और दूध के साथ में ऐड कर दिया है। अब ये ड्राई फ्रूट भी मैंने थोड़े से क्रश कर लिए थे, ये भी मैं ऐड कर दूंगी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबुत नहीं डाले मैंने ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा क्रश कर लिए हैं, ताकि जब हम निमाले मुँह में लेंगे चम्मच से तो हर एक चम्मच में ड्राई फ्रूट हो, तभी मज़ेदार बनेगी ये। बस आप वीडियो को फुल वॉच करें, और थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो देखें मैंने एक पॉट ले लिया है, और एक बोल में लेकर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से दिखाई दे रही है, मज़ेदार दानेदार और बड़ी ही खूबसूरत सी। और देखिए इसकी थिकनेस देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी एक बार बनाएं खाएं, और सर्दी का मौसम है, बड़ी ही मज़ेदार बनती है गाजर की खीर इस मौसम में। 2-3 बार तो आप इस तरीके से बनाएंगे, 2-3 बार आप ज़रूर बनाएंगे फिर, और आपकी सभी तारीफ करेंगे इस तरीके से खीर बना के खाएंगे तो आप, और खिलाएंगी। तो देखिए बड़ी मेहनत से मैंने ये खीर बनाई है। अगर आपको ये पसंद आती है मेरी रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छी सी नई रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखना।